अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है ना हम हार्डबॉल का बैट का बैंडेज बना रहे। जो उसका ग्रिप होता है ना हाथ का, जब वो टूट जाता है या उसका ग्रिप खराब हो जाता है, कट जाता है, तो उसको हम अच्छी तरह से कैसे बैंडेज करते हैं और उसको कैसे जो है ना बनाते हैं। अगर ये टूट गया है तो इसको थोड़ा सा जो है ना मजबूत तरीके से हम पहले ग्लो देंगे, ठीक है। ग्लो देके उसके बाद जो है ना हम उंगली को ऐसा बंद कर देते हैं या ग्लव्स पहन के या किसी और तरीके से या फिंगर से ऐसा भी बना सकते हैं। तो हम इसको पहले ग्लो देंगे और ग्लो के बाद जो है ना हम इसको धागा देंगे। ये मेरा हार्डबॉल का बैट है, तो अच्छी क्वालिटी का बैट है, तो इसीलिए मैं आपको दिखाता हूँ आज के बैंडेज कैसे बनाए जाते हैं और बेहतर तरीके से बन जाती है, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली आप ऐसा नॉर्मल यूज ही देते हैं कि हम जो इसको धागा देते हैं ना वो फिसलता नहीं है। जब वो ज़्यादा जल्दी फिसलते हैं तो वो फिर वापस ख़राब होता है जल्दी। तो हम इसको ग्रिप टू ग्रिप इस तरह देते हैं, ठीक है। फिर ये अच्छी तरह से पकड़ के ना भागता नहीं है, तो वो ग्रिप भी अच्छा बनता है। तो ये मैंने ग्लो बना दिया, ठीक है। अभी ग्लो करके उसके बाद अगर आपने इसको ऐसा थोड़ा सा मामूली मामूली बना देना है तो भी बेहतर है, क्योंकि ज्यादा ना हो, ठीक है। फिर जो जगह टूटे उसको जरा डीप दे दो, ज्यादा मतलब, तो बेहतर है। टूटा नहीं है तो बस मामूली मामूली ग्लो देके उसपे धागा चढ़ाना। तो धागा चढ़ाने का एक तरीका है, मतलब कुछ लोग जो है ना बस ऐसा धागा चढ़ाते हैं फिर वो हर दिन खुलता है, तो इसी वजह से मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इसको कैसा लगाना है, ठीक है। तो हमारे साथ ही एंड तक मैं आपको वो जल्दी दिखाता हूँ, वो पूरी आप लोगों को मददगार साबित होगा आप सबके लिए और बेहतर भी होगा इंशाल्लाह। चलो ये भी ग्रिप हो गया, अब इसके ग्रिप हम चढ़ाएंगे धागा। तो धागा चढ़ाने का बहुत आसान तरीका भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा सा आसान भी है, लेकिन अगर किसी को समझ आता है तो बहुत आसान भी है। पूरी तरह मैं आपको बताता हूँ ये इसके लिए। तो सबसे पहले जो है ना धागा कौन सा लेना है, इसके लिए सॉफ्ट धागा लेना है, ठीक है। ये मिल जाते पाकिस्तान में या इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, कहीं भी हो, ये सस्ता मिलते हैं, महंगा नहीं है। ये वहाँ पे मिल जाते तकरीबन 150 रुपये में। तो सबसे पहले तो हमें इस जब धागा शुरू करने ना तो उसका पहला ग्रिप हमने ऐसा रखना है, ठीक है। पहला ग्रिप ऐसा रखा, फिर उसके बाद हमने पहला पहला घुमाना है ऐसा, तो ये ऑटोमेटिकली उसमें ग्रिप में ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। अभी आप इसके ऊपर आते जाओ और ये बंद करेगा, तो बेसिक तरीका ये। तो ये हो गया इतना तक, अभी हम ऐसा ऐसा कर रहे तो फिर आपको दिखाते हैं पूरा कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो ये बेहतरीन आएगा इस तरह के ऐसा ऐसा करके ना, लाइन टू लाइन। अगर मशीन से हो जाए तो वो सॉफ्ट होता है, वो जल्दी जो है ना पिसल जाता है, खुल जाता है, इसलिए जो है ना हैंडमेड जो है ना बहुत बेस्ट होता है और टाइट होता है और आसानी से नहीं पिसलता और ना खुल जाता है, लाइन जो है ना इधर उधर जाती है, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ ऐसा ऐसा। अगर आपके पास दूसरा बंदा हो ना तो इसका आसान तरीका यही है कि आप इस तरह जो है ना धागा पकड़ के एक बंदा घुमाता जाए बैठ और दूसरा जो है ना सिर्फ उसको स्ट्रेट लाइन पे लगाए, चल, ठीक है। तो ये आपको जो है ना ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट हो जाएगा, वैसे सिर्फ आपको जो है ना सिर्फ सिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास मशीन नहीं होता और मशीन से जो है ना धागा अच्छा नहीं बनता, इसी से जो है ना हाथ से जो है ना बना के बहुत टाइट बनता है। घुमा घुमा घुमा
घुमा घुमा घुमा। अरे जल्दी चलिए उस साइड पे कर, मेरे तरफ ना कर, उस साइड पे कर, घुमा। ठीक है इस तरह, चल स्टॉप कर थोड़ा सा। तो अभी हमने जो है ना ग्रिप तकरीबन तकरीबन पहुंचा दिया है। तो ग्रिप में अभी हम ये इसलिए लगाते हैं कि अगर हमने इसको कवर करना है तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि वो फिर किस तरह करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो हमने इसको घुमाना है, फिर घुमा के आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे बंद किया जाता है। अभी हमने इसको घुमा लिया, ठीक है, अभी हमने प्रॉपर इसको ऐसे ही बंद करके घुमा के रखना है। ठीक है, चल 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 घुमाओ। ठीक है, इस तरह घुमाना है, घुमाते जाना है जब तक आपका टाइम, जब तक आपका जो ना ग्रिप खत्म नहीं होता तब तक घुमाना है, घुमा के रखना है काफी टाइम। ठीक है, हम आपको दिखाते ये आपके लिए किस टाइम काम आएगा। हम इसको पूरा सही तरीके से ऊपर ग्रिप करेंगे क्योंकि फिर ये फिसल जाता है। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा सा टाइट रखना है एंड पे और थोड़ा सा खींच के रखना है, फिर एंड में आपको दिखाता हूँ। इज इनफ, कट, ओके। तो अभी हमने इसको काट लिया, अभी हम इसको इसी धागे में घुसा के इसको ठीक है इस पे ऐसा उंगली रखेंगे और आपको दिखाता हूँ। तो फिर उसको हमने यू खींच निकालना है। अभी इसने खींच निकाल के उसके बाद हमने इसको काटना है कि ये बाहर ना निकले। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो और ये था हमारा ग्रिप। तो मैं आपको अपना ग्रिप दिखाता हूँ, ये हमने अभी ग्रिप नया बनवा दिया है पूरी तरह से फिट करके। ठीक है, तो ये ग्रिप बन गया। अभी थोड़ा सा टाइम इसको खुला रख दूँ हवा में या किसी भी तरीके में, जो इसका मैंने नीचे ग्लू दिया ना ये थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा। तो ये मेरा जो है ना ग्रिप बन गया है, तो आप देख सकते हो और इसी तरह से ग्रिप बनता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।